हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेक्नो मोबाइल में कीबोर्ड की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट करेंगे। तो इसके लिए कहीं पर भी कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कीबोर्ड को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, एक सेटिंग का ऑप्शन है कीबोर्ड में ही, टी के ऊपर। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो वर्ड लिखकर आएगा, यहाँ पर देखिए जो लिखकर आ रहा है यही आपको लिखना है और ओके कर देना है। जैसे ही इतना कर लेंगे, फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या आल ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और जो आपके फ़ोन का कीबोर्ड है उस ऐप को खोजना है। तो देखिए, हमने यूज किया है गूगल का, तो यहाँ पर जीबोर्ड नाम से आ चुका है, यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। आप भी अपने फ़ोन में खोज लेना। फिर यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।